हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे जून 2012 के पेपर 3 की। इससे पहले हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जून 2012 के पेपर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम पेपर 3 की बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एडिंग अप थ्योरम। एडिंग अप थ्योरम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप यूलर थ्योरम भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट आपने चेक करनी है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। इफ इनकम जनरेटेड बाय द गिवन आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर, टोटल इनकम विल बी एग्जॉस्टेड। देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, कहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज प्रोडक्टिविटी। देखिए, इस थ्योरम में होता क्या है कि हम एवरेज प्रोडक्टिविटी नहीं, मार्जिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कि अगर ऑल फैक्टर प्रोडक्शन को उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो टोटल इनकम जो होगी, जो हमें आउटपुट से मिलेगी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टोटल इनकम डिराइव फ्रॉम द आउटपुट विल बी एग्जॉस्टेड इफ ऑल फैक्टर आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एडिंग अप थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर टोटल इनकम जो भी हमें आउटपुट से मिली है, उसे हमने अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर हम उन्हें मार्जिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें कि कैपिटल और लेबर की मार्जिन प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो हमारी टोटल इनकम एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें, तो इसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू में मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू में लेबर प्लस में मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू में कैपिटल। ओके, सो ये टोटल इनकम जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी अगर हम लेबर को उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें इनकम को, और कैपिटल को उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोड्यूसर विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर टिल ही रीच दैट पॉइंट ऑफ आइसोक्वेंड एट विच। प्रोड्यूसर जो है कैपिटल को तब तक सब्स्टिट्यूट करता रहता है लेबर के लिए, जब तक वो उस पॉइंट पे ना पहुंच जाए जिस पॉइंट पे क्या है, प्राइस ऑफ द गुड ही प्रोड्यूस इक्वल वेज रेट, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल इंटरेस्ट रेट, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल मार्जिन रेवेन्यू, या फिर मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल द रेशियो ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। देखिए, इसमें हमने इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब तक पढ़ी है, जब तक मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के इक्वल नहीं हो जाता है मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेजेस अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम इन सब स्टेटमेंट की बात करें, तो ये क्या कह रहा है, द प्राइसेस ऑफ द गुड्स ही प्रोड्यूस इक्वल वेज रेट, ये तो इसमें कहीं नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल इंटरेस्ट रेट, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स इंटरेस्ट रेट, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। ओके, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे हम मार्जिन रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल द रेशियो ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जब मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल हो जाए, रेशियो ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्स मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। सेल्स मैक्सिमाइजेशन किसका ऑब्जेक्टिव था, बोमल का था, विलियमसन का था, कार्लर का था, या मॉरिस का। उसके अलावा ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन किसका ऑब्जेक्टिव था, मैनेजेबिलिटी फंक्शन किसने बताया था कि ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का, सेल्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन किसने बताया था कि ऑब्जेक्टिव होता है फर्म्स का। देखिए, यहाँ पे हम जब बिहेवियर थ्योरी की बात करते हैं फर्म्स की, तो जो साइमन थे उन्होंने सबसे पहले बात करी थी बिहेवियर थ्योरी की, उन्होंने सबसे पहले बिहेवियर थ्योरी दी, और उन्होंने क्या बताया था, फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट कमाना, सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट कमाना, ये उन्होंने क्या बताया था, फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद सियर्ट एंड मार्च आए, सियर्ट एंड मार्च आए, इन्होंने कहा फर्म का सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, फर्म्स के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल गोल होते हैं। जैसे कि उनका गोल होता है सेल्स को बढ़ाना, उनका गोल होता है मार्केट शेयर बढ़ाना, ठीक है, यानी उनका मार्केट में शेयर बढ़े, उनका काम होता है प्रॉफिट बढ़ाना, उनका काम होता है प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है। तो सियर्ट एंड मार्च ने कहा था कि फर्म्स के डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं, सिंगल गोल नहीं होता फर्म्स का। अब उसके बाद आए विलियमसन, और विलियमसन ने कहा कि फर्म्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना, यानी कि उनको सेल से जो यूटिलिटी मिल रही है उसको मैक्सिमाइज करना। और उसके बाद आए थे मॉरिस, और मॉरिस ने कहा कि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना, यानी कि वो अपनी ग्रोथ जितना चाहे उतना बढ़ा सके, ये होता है फर्म का ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू मॉरिस। और उसके बाद बोमल ने कहा कि फर्म का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन नहीं बल्कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है। फिर उसके बाद आए मिल्टन
कफोल्गिस, मिल्टन कफोल्गिस के बारे में आपने कम सुना होगा। इन्होंने कहा था कि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है आउटपुट मैक्सिमाइज करना, यानी कि जितना ज्यादा हो सके प्रोडक्शन इंक्रीज करना। और इसके बाद आए थे रोथचाइल्ड, और रोथचाइल्ड ने कहा था कि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में एक सिक्योर पोजीशन हासिल करे, मार्केट में एक सिक्योर पोजीशन वो एक्वायर कर ले, यानी कि ऐसी सिक्योर पोजीशन पे आ जाए कि उसके कॉम्पिटिटर उसे इजीली मार्केट से बाहर ना कर सके। तो इन्होंने यहाँ पे कहा था कि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि सिक्योर पोजीशन हासिल कर सके, या फिर सिक्योरिटी प्रॉफिट कमाना फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है। सिक्योरिटी प्रॉफिट यानी कि इतना ही प्रॉफिट कमाए कि वो मार्केट से बाहर ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मार्केट प्रॉफिट कमाए और जिसकी वजह से और ज्यादा फर्म्स एंटर कर जाए इंडस्ट्री में। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रॉफिट कमाना मार्केट का ऑब्जेक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू रोथचाइल्ड। और उसके बाद आए थे सिटोस्की, सिटोस्की ने कहा था कि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। किसको मैक्सिमाइज करना? सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो मैंने आपको अलग अलग बिहेवियर थ्योरी ऑफ फर्म बता दी, जो साइमन ने दी थी। साइमन ने कहा था सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट बढ़ाना, जबकि सिटोस्की ने क्या कहा था? सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना। दोनों में डिफरेंस है, सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट में डिफरेंस है और सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने में डिफरेंस है। तो साइमन ने कहा था सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट कमाना फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है। सेवर्टन मार्च ने कहा था कि फर्म का सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, फर्म के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेल्स बढ़ाना, मार्केट शेयर बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना। ओके, विलियमसन ने कहा था कि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना, जबकि मॉरिस ने कहा कि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ मैक्सिमाइज करना। बॉमल्स ने कहा कि सेल्स मैक्सिमाइज करना फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है, और मिल्टन कफोल्गिस ने कहा कि आउटपुट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स का फर्म का। उसके बाद रोथचाइल्ड ने कहा था कि फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में वो सिक्योर पोजीशन हासिल कर सके, यानी कि वो सिक्योरिटी प्रॉफिट कमा सके। और सिटोस्की ने कहा था कि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर सके। अब इनमें हम देख लेते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, किसने बताया था? बॉमल ने बताया था, तो फर्स्ट का हो गया ऑप्शन टू। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव किसने बताया था? ये मॉरिस ने बताया था। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन वन। मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन किसने बताया था? विलियमसन ने बताया था, तो इसका हो गया ऑप्शन थ्री। सेल्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म किसने बताया था? सेवर्टन मार्क ने। इन्होंने क्या कहा था? फर्म्स के मल्टीपल गोल होते हैं, तो यहाँ पे आएगा सेवर्टन मार्क, तो यहाँ कार्डर नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 2, 1, 3, और यहाँ पे नन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी मार्शल के द्वारा। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड किसने दी थी? सैमुएलसन ने दी थी। इंडिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड की बात किसने की थी? हिक्स ने की थी। और यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात किसने की थी? न्यूमैन एंड मॉर्गेनस्टर्न ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑप्शन टू, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड ऑप्शन फोर, इंडिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड ऑप्शन वन, एंड ऑप्शन थ्री, 2, 4, 1, 3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द प्रोपोनेंट ऑफ द मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी गई थी इन सबके द्वारा, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए, मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने दी थी, हमें पता है। ठीक है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी खो गया था। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो दी गई थी वो क्लार्क ने दी थी, ये चीज हमें पता है। ओके, सबसे पहले क्लार्क ने दी थी, और जो उसके बाद लेटेस्ट है हमारी, जो अब लेटेस्ट मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, वो मार्शल के द्वारा दी गई है। तो एक बात पक्की है कि सबसे पहले नंबर पे आएगा जेबी क्लार्क और चौथे नंबर पे आएगा मार्शल। ठीक है, अब कंफ्यूजन है वॉलरस और जेवंस में। देखिए, इसमें मुझे भी कंफ्यूजन थी, वॉलरस एंड जेवंस, क्योंकि इनके ईयर करेक्ट नहीं दिए हुए हैं कहीं पे। लेकिन हमें दो बातें पता है कि जेबी क्लार्क ने सबसे पहले दी थी मार्जिन प्रोडक्टिव थ्योरी, और मार्शल ने लास्ट में दी थी। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो क्लार्क पहले नंबर पे यहां पे दिया है और मार्शल यहां पे दिया है, और कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ। तो यहां पे हम एलिमिनेशन मेथड से जान सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे हमें एक और बात पता चल गई कि क्लार्क के बाद किसने दी थी? वॉलरस ने दी थी, और वॉलरस के बाद जेवंस ने दी थी। तो वॉलरस और जेवंस का भी यहाँ पे क्लैरिटी आ गई हमें कि वॉलरस ने पहले दी थी और जेवंस ने बाद में दी थी, जबकि जेवंस जो थे वो क्लार्क के कंटेम्प्रेरी थे। ओके, सो पहले नंबर पे किसने दी? क्लार्क ने दी थी मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी, दूसरे नंबर पे वॉलरस ने दी, तीसरे पे जेवंस ने दी, और सबसे लास्ट में यानी कि लेटेस्ट किसने दी? मार्शल ने दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नॉन कोल्यूसिव मॉडल ऑफ चैम्बरलिन असर्ट दैट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड इफ ईच फर्म चार्ज मोनोपोली प्राइस एंड इक्वली शेयर द मार्केट डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। देखिए नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली चैम्बरलिन का क्या कहता है कि जब फर्म्स पहचान लें, यानी कि वो नेव की तरह बिहेव ना करें जैसे कि वो कॉर्नर केस में करती हैं, बर्टन के केस में करती हैं, तो नाइव की तरह अगर वो बिहेव ना करें और मोनोपोली प्राइस चार्ज करें और मार्केट डिमांड को जो है वो इक्वली शेयर कर लें तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजनिंग इज दैट, रीजन क्या दिया हुआ है, फर्म रिकॉग्नाइज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विद रिगार्ड टू प्राइस डिसीजन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विच विल बी रियलाइज्ड इफ प्राइसेस आर डिटरमाइंड एट अ लेवल विच इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या कह रहे हैं कि फर्म्स जो है रिकॉग्नाइज कर लेती हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, कि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हैं, किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विद रिगार्ड टू प्राइस डिसीजन, यानी कि प्राइस डिसीजन जो भी हम लेंगे हमारी जो राइवल फर्म है वो उसका काउंटर डिसीजन लेगी ही लेगी। तो यानी कि वो अपनी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और उससे उनको पता लग जाता है कि कब वो प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं इफ प्राइसेस आर डिटरमाइंड एट ए लेवल विच इक्वल मार्जिन कॉस्ट, यानी कि जब वो प्राइसेस को मार्जिन कॉस्ट के इक्वल रख लें तो क्या कर सकते हैं, मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सकते हैं और मार्केट डिमांड को इक्वली शेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच टू डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच क्या बताती है, इट अज्यूम स्टेबिलिटी ओवर टाइम ऑफ एन ऑब्जर्व पर्सन टेस्ट। ये बताती है कि जो पर्सन है जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके टेस्ट में स्टेबिलिटी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ऐसा है कि अगर उसको ए बंडल दिया गया और साथ में बी बंडल दिया गया और ए बंडल में नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा है तो अगर वो ए बंडल को प्रेफर करता है तो ऐसा नहीं होगा कल को उसके पास और बंडलों की ऑप्शन हुई ए बी सी तो कभी भी वो बी को प्रेफर नहीं करेगा जब उसके पास ए बंडल होगा। हाँ सी को प्रेफर कर सकता है लेकिन जब उसने पहले एक बार ए को प्रेफर कर दिया ओवर बी तो वो कभी भी बी को प्रेफर नहीं करेगा। तो यानी कि एक स्टेबिलिटी होती है पर्सन के टेस्ट में। इट अज्यूम दैट ऑल पीपल हैव आइडेंटिकल टेस्ट, क्या रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये मानती है कि सब लोगों का टेस्ट सेम होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इट रिलाइज ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द मार्केट बिहेवियर ऑफ ए सिंगल पर्सन। हाँ ऑफकोर्स ये बिल्कुल सही बात है कि हम क्या करते हैं किसी सिंगल पर्सन के बिहेवियर को बार बार ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इसने इसकी प्रेफरेंस क्या रह रही है हर बार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ केन्शियन इकोनॉमिक्स, इनमें से हमने वो स्टेटमेंट बतानी है जो ट्रू नहीं है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ मनी इज एन अनस्टेबल फंक्शन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपने केन्स थ्योरी पढ़ी होगी, मैंने कराई भी है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ मनी इज एन अनस्टेबल फंक्शन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। लेबर इज सब्जेक्ट टू मनी इल्यूजन, ये भी बात बिल्कुल सही है, जो लेबर होती है वो मनी इल्यूजन में रहती है, यानी कि अगर आप उनकी नॉमिनल वेज बढ़ाएंगे तभी वो वेज को कंसिडर करती हैं, लेकिन अगर उनकी नॉमिनल वेज के साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है यानी कि बेसिकली उनकी रियल वेज कम हो रही है वो इस चीज को नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनकी नॉमिनल वेज बढ़ रही है, ओके। तो यानी कि वो मनी इल्यूजन में रहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन टेंड टू बिकम फ्लैट एट लेवल ऑफ आउटपुट वेल बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू बिकम स्टीपर एज फुल कैपेसिटी इज रीच, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे रहती है, केन्स के केस में ऐसे रहेगी फ्लैट और फिर बाद में ऐसे ऊपर को चली जाती है, यानी कि जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है, उस केस में क्या हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई कर स्टीप हो जाती है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले एग्रीगेट सप्लाई कर रिलेटिवली फ्लैट होती है, ओके। एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल इज ए वर्टिकल एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंप्लीटली सप्लाई डिटरमाइंड। देखिए पहली बात तो केन्स ने सप्लाई साइड की बात नहीं करी थी, केन्स ने डिमांड साइड की बात करी थी, ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरा, एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल इज वर्टिकल, एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल केन्स ने क्या बात करी थी, शॉर्ट रन की बात की थी और शॉर्ट रन में वो हमेशा फ्लैट होता है, ओके। तो ये उन्होंने बोला था कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये वर्टिकल चला जाए लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो फ्लैट ही रहेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत और हमने गलत ही जाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोबिन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट दैट फर्म ऐड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल व्हेन, देखिए टोबिन्स ने क्यू रेशियो की बात की थी, ओके। टोबिन्स की क्यू थ्योरी में हम क्यू रेशियो पढ़ते हैं, ये क्यू रेशियो बेसिकली टोबिन ने नहीं दिया था, ये क्यू रेशियो दिया था कार्लटन ने, टोबिन ने इसे सिर्फ पॉपुलराइज किया था। अब क्यू रेशियो क्या कहता है, क्यू रेशियो कहता है कि मार्केट वैल्यू जो है किसी कंपनी के फाइनेंशियल एसेट की अपॉन में रिप्लेसमेंट वैल्यू जो है उस कंपनी के फाइनेंशियल एसेट की, यानी कि मार्केट वैल्यू अपॉन में रिप्लेसमेंट वैल्यू, यानी कि क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन है इसका मतलब है कि वो कंपनी क्या है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है,
इसका क्या मतलब हुआ कि हमने उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा लगाई हुई है, जबकि रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब यह है कि हम उसकी जो मशीनरी है, जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसकी सब्सिडरी हैं, उन सबको अगर हम बेचने जाएं तो उनकी टोटल वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी हमें, यानी कि मशीनें जो सेकंड हैंड हो गई हैं उन्हें हम बेचने जाएं तो उतनी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू उसकी कम है लेकिन मार्केट वैल्यू ज्यादा है। तो जब क्यू रेशियो ग्रेटर देन वन होगा तो इसका मतलब है कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है। क्यू रेशियो लेस देन वन होगा तो हम कह सकते हैं कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। ओके, अभी क्या कह रहे हैं, टोबिन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट दैट फर्म ऐड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल व्हेन, फर्म्स कब ऐड करेगी अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल में, ऑफ कोर्स जब क्यू वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट। रिप्लेसमेंट वैल्यू ज्यादा होगी और मार्केट वैल्यू कम होगी, नहीं ये तो गलत बात है, मार्केट वैल्यू कम है तो क्यू क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट एक्सीड द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट, ये बात बिल्कुल सही है, मार्केट वैल्यू जब ज्यादा होगी फाइनेंशियल एसेट की रिप्लेसमेंट वैल्यू से तब क्यू ग्रेटर देन वन होगा, तब कंपनी ओवर वैल्यूड होगी और तभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन करंट इनकम इंक्लूड नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट रिलेटिंग कंजम्पशन विद करंट इनकम विल प्रोड्यूस, कंजम्पशन विद करंट इनकम यानी कंजम्पशन को अगर हम करंट इनकम से रिलेट कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं, जो किसके इक्वल होता है, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। अब यहाँ पे हम दो टाइप के एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम की बात करते हैं, एक होता है शॉर्ट रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होता है लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। शॉर्ट रन में हम क्या बात करते हैं, मेजर्ड कंजम्पशन अपॉन में मेजर्ड इनकम, लॉन्ग रन में हम बात करते हैं परमानेंट कंजम्पशन अपॉन में परमानेंट इनकम। और यहाँ पे जो मेजर्ड इनकम है उसको हम लिखते हैं परमानेंट इनकम प्लस में ट्रांजिटरी इनकम। ओके, और यहाँ पे तो रहेगी परमानेंट इनकम ही। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि करंट इनकम जो है उसमें नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट है, तो CM क्या हो जाएगा, YP में से हम YT माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए परमानेंट इनकम 50 थी और ट्रांजिटरी इनकम 20 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ तो 50 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परमानेंट इनकम की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी घट गई, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो जब डिनोमिनेटर कम हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शॉर्ट रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, एन एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम दैट इज लोअर देन द लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नहीं ये तो ग्रेटर है ना, लॉन्ग रन से कम तो नहीं है। An average propensity to consume that is higher than the average long run propensity to consume. Option B हो जाएगा इसका correct answer. Next question देख लें। Liquidity trap is the situation. देखिए liquidity trap वो situation होती है जब हमारी aggregate demand कर ऐसे आके ये flat हो जाती है, यानी कि rate of interest बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, rate of interest बहुत lower होता है, क्या होता है, बहुत lower होता है, और हमारे जो investor हैं वो क्या सोचते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्यूचर में बढ़ेगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे, और बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे तो हम बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो सेव करना शुरू कर देते हैं, वो अपना पैसा कहीं भी खर्च नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लो गया हुआ है और फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से बॉन्ड प्राइस कम हो जाएंगे, और बॉन्ड प्राइस कम होने से हम वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, काम नहीं करती, मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती, क्यों नहीं करती, यहाँ पे लोग ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड कम करके बैठे हैं, लोग डिमांड कर नहीं रहे लोग क्योंकि लोग सेव कर रहे हैं, है ना। अब अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा दें तो मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने से यानी लोगों के हाथ में पैसा देने का कोई फायदा नहीं होगा, अगर लोगों के हाथ में पैसा दिया तो क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी नहीं क्योंकि लोग उसे भी सेव करना शुरू कर देंगे, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी सप्लाई बढ़ाने से और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में फेल हो जाती है, लोग सेव ज्यादा से ज्यादा करते हैं और एग्रीगेट डिमांड इस टाइम पे बहुत कम होती है, और लोग क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे और बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हम बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, ये सिचुएशन होती है लिक्विडिटी ट्रैप की। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन फ्यूचर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, सब इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं वैसे हम, ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फॉल इन फ्यूचर, नहीं, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अबव द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये गलत है, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बिलो द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ये गलत है,
मैंने आपको बताया फ्लैट हो जाती है, यानी कि इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाती है, इन इलास्टिक नहीं इलास्टिक हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन हैरड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इफ वारंटेड ग्रोथ रेट इज बिलो द नेचुरल ग्रोथ रेट। देखिए यहाँ पे क्या है, वारंटेड ग्रोथ रेट बिलो है नेचुरल ग्रोथ रेट से। अब हमें पता है जब वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से कम है, इसका मतलब है कि वारंटेड ग्रोथ रेट कम होगी एक्चुअल ग्रोथ रेट से भी, ठीक है। अब जब वारंटेड ग्रोथ रेट कम होगी एक्चुअल ग्रोथ रेट से, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल कैपिटल कम होगी रिक्वायर्ड कैपिटल से। ओके, जब भी वारंटेड ग्रोथ रेट कम होती है एक्चुअल ग्रोथ रेट से, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल कैपिटल कम है रिक्वायर्ड कैपिटल से। अब इकोनॉमी में एक्चुअल कैपिटल क्या है, कम है। एक्चुअल कैपिटल कम होने का मतलब होगा कि इकोनॉमी में सप्लाई कम है, ठीक है। हमारे पास कैपिटल कम है और इकोनॉमी में सप्लाई कम है, जबकि डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा है, इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इस टाइम इकोनॉमी में क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी वारंटेड ग्रोथ रेट कम होती है नेचुरल ग्रोथ रेट से, इसका मतलब होता है कि वो एक्चुअल ग्रोथ रेट से भी कम है। तो इसका मतलब है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि हम कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा अपनी। और कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अब क्योंकि हैरे डोमन मॉडल में हम कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में लेते हैं कैपिटल और लेबर, तो कैपिटल को जब हम बढ़ाएंगे, लेबर को हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है, ताकि प्रोपोर्शनेट सेम रहे। तो कैपिटल को हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी पहले कैपिटल कम हुई पड़ी थी, लेबर ज्यादा हुई पड़ी थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कैपिटल को बढ़ाएंगे और लेबर को कम कर देंगे। तो बेसिकली हम अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इस सिचुएशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए डब्ल्यू फिलिप्स इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ रिलेशन। देखिए हमने पढ़ा हुआ है ए डब्ल्यू फिलिप्स क्या बताती है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन बताती है। ओके, अब हमने इसमें पढ़ना है इनमें से कौन सा ए डब्ल्यू फिलिप कर का फीचर नहीं है। अ नॉन लीनियर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज रेट। ये बात बिल्कुल सही है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, लीनियर नहीं होती। ये कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होती है। देयर इज ए लूप इन द एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिलिप कर्व। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लूप होता है, ठीक है। द वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज प्रिडिक्टेबल। ये बात बिल्कुल सही है, वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप प्रिडिक्टेबल होती है इन केस ऑफ फिलिप कर्व। यानी कि अगर वेजेस बढ़ रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ओके, वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इसका मतलब है वेजेस बढ़ रहे हैं। तो ये तीनों बात बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं फिलिप कर्व शिफ्ट व्हेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन शिफ्ट। ये बात बिल्कुल सही है, फिलिप कर्व शिफ्ट होती है जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन शिफ्ट होती है। लेकिन ये केस हम पढ़ते हैं अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में, यानी कि जो फ्रिडमैन ने हमें दी थी उसमें हम पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेशली इन्होंने ए डब्ल्यू फिलिप का नाम लिखा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ फिलिप कर्व लिखा होता तब ये बात बिल्कुल सही थी। लेकिन यहाँ पे ए डब्ल्यू फिलिप की बात करते हैं, जो कि स्टैटिक एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलिप कर्व शिफ्ट नहीं होगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल एन इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसी है, हमारी वर्टिकल है। ओके, तो हमने देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। एन इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई विल रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चेंज द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। ये गलत है, क्योंकि जब भी हमारी एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे वर्टिकल होगी, तो आउटपुट चेंज नहीं होगा मनी सप्लाई इंक्रीज करने से। ओके, इट कॉज ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन रियल आउटपुट। गलत, आउटपुट चेंज नहीं होता है, हैज नो इफेक्ट ऑन द रियल मनी सप्लाई और द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। ये बात बिल्कुल ठीक है, कॉज द रियल मनी सप्लाई टू इंक्रीज विच चेंज द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, ये बिल्कुल गलत है। तो इन्होंने एक ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है जहां पे कंपोजिशन ऑफ आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मंडल फ्लेमिंग मॉडल ऑफ ओपन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग वेरिएबल दैट शिफ्ट द आईएएस फंक्शन। अब आईएएस फंक्शन किस वजह से शिफ्ट होता है, या तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, ठीक है, या गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे। टैक्स को गवर्नमेंट कम कर देगी तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तब भी खर्चा ज्यादा होगा, तब भी आईएएस कर शिफ्ट होगी। एक्सपोर्ट के बढ़ने से, इम्पोर्ट के कम होने से, इस सबसे क्या होता है, आईएएस कर शिफ्ट होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अ राइज इन द एक्सचेंज रेट। अ राइज इन द एक्सचेंज रेट का मतलब है कि अगर एक डॉलर के बदले में 50 रुपए पहले हमें देने पड़ रहे थे, तो अब हमें एक डॉलर के बदले में 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसे हम कहते हैं राइज इन द एक्सचेंज रेट।
यानी कि अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो करेंसी है वो क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। और जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि जब पहले फॉरनर $1 पे कर रहे थे तो उनको पहले मिल रही थी ₹50 की वैल्यू की चीज, अब उनको $1 पे करने पर ₹70 की वैल्यू की चीज मिल रही है, तो एक तरह से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसकी वजह से इसका शिफ्ट होगी एंड इंक्रीज इन फॉरन इनकम। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, फॉरेन इनकम इंक्रीज होगी, फॉरेन वालों की इनकम इंक्रीज होगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कट इन टैक्स, ये भी बिल्कुल सही है, टैक्स के कट होने से एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब फॉल इन एक्सचेंज रेट, ये गलत हो जाएगा। फॉल इन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, और एप्रिशिएट करने का मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंस मार्च 2010 हाउ मेनी टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द रेपो रेट। देखिए, ये क्वेश्चन उस टाइम 2012 में आया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का रेलेवेंस उस टाइम था। अब इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन के आने के चांस बिल्कुल नहीं है पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। वैसे उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे आंसर बी था, आंसर की में जो आंसर दिया हुआ था वो आंसर बी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज बीन सेट अप इन इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिली इन अर्बन एरिया। देखिए, जब बीपीएल फैमिली की बात करते हैं तो हम तेंदुलकर कमेटी, लक्कड़ वाला कमेटी, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ अर्बन एरिया की बात की गई है, तो ये थी हाशिम कमेटी। हाशिम कमेटी जो है वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई थी, और इन्होंने 2012 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। अब 2012 में रिपोर्ट इन्होंने पेश करी थी, तो ऑब्वियस ही बात है कि जून 2012 के पेपर में इसका आना स्वाभाविक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाशिम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मेजर फाइनेंशियल इंक्लूसिव इनिशिएटिव नेम स्वाभिमान वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन। देखिए, जो स्वाभिमान स्कीम है ये भी फरवरी 2011 में आई थी, इसीलिए ये 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। आपको स्वाभिमान के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी खास स्कीम थी भी नहीं। ओके, स्वाभिमान का पूछने का चांस बिल्कुल कम है कि अब स्वाभिमान के बारे में पूछेंगे। कुछ स्कीम होती हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, उनके बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन स्वाभिमान इतनी बड़ी स्कीम नहीं थी। आपको करंट की स्कीम पता होनी चाहिए कि जिस भी टाइम आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पिछले 1-2 सालों में कौन कौन सी स्कीम नई लॉन्च हुई है। तो उस टाइम स्वाभिमान लॉन्च हुई थी फरवरी 2011 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान हैज लेड इम्फेसिस ऑन फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए, जब हम फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ते हैं तो हम 2 5-year प्लान में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है 11th, एक होता है 12th। लेकिन याद रखिएगा, 12th 5-year प्लान में हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की भी बात करी थी, फास्टर एंड इंक्लूसिव की बात हमने 11th 5-year प्लान में भी करी थी, लेकिन 12th 5-year प्लान में हमने एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करी थी। ओके, तो जब सस्टेनेबल साथ में आया हो तो हम 12th 5-year प्लान की बात करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द रिवाइज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीरीज विद 2004-05 एज द बेस, द टोटल नंबर ऑफ आइटम कवर्ड हैज इंक्रीज फ्रॉम 538 टू 682। देखिए, उस टाइम जो आइटम है वो 682 कर दी गई थी, लेकिन अब कितनी आइटम है, अब 800 के आसपास आइटम है। ओके, और हमने बेस ईयर भी चेंज कर दिया है, 2004-05 से अब 2011-12 हो गया है बेस ईयर। ओके, तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो होता है उसमें अब बेस ईयर 2011-12 है, और आइटम इसमें 800 के आसपास है, जिन्हें ग्रुप किया गया है 407 आइटम में। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो माइनिंग में एक ग्रुप बनाया है इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग में 405 ग्रुप बनाए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में भी एक ग्रुप बनाया है। तो क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछा जा सकता है, और हर बार पूछा भी जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। किसी में ये बेस ईयर पूछ लेते हैं, किसी में ये पूछ लेंगे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी में से ज्यादा वेटेज किसको दी गई है, ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग को दी गई है। उसके बाद इन्होंने गुड्स को भी डिवाइड किया है, 407 ग्रुप बनाए हैं इन्होंने, 800 प्लस ये गुड्स हैं, उनके 407 ग्रुप हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये टोटल ग्रुप है 407, यहाँ लिखा भी हुआ है आइटम ग्रुप्स। अब इसमें इन्होंने अलग तरह से भी डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब इनमें से याद रखिएगा, आप सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है, प्राइमरी गुड के पास है, 34% वेटेज है। ठीक है, फिर किसके पास है, इंटरमीडिएट गुड के पास है, 17% वेटेज है, और फिर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के पास है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मेन सेक्टर कौन कौन से लिए हैं इन्होंने, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 कोर सेक्टर हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेट में भी पूछा गया है और नेट में भी पूछा गया है। इसको मैंने कैसे याद किया था, इसको मैंने याद किया था फर्न C3 से, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, स्टील और C3 में क्या आता है, कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट। तो ये आएगा फर्न C3,
फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, स्टील एंड C3 क्या होता है हमारा, कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। अब यहाँ पे एक और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 8 कोर सेक्टर में वेटेज वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किसको ज्यादा वेटेज है, किसको कम वेटेज है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ओके, तो मैं ये PYQ की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे सेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है अगर आप कल को नेट का पेपर दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट को है 28%, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को वेटेज दी गई है 19%, फिर उसके बाद स्टील को वेटेज दी गई है। तो ये कम से कम टॉप की 3 वेटेज आपने याद रखनी है, और सबसे कम वेटेज किसको दी गई है, फर्टिलाइजर्स को वेटेज दी गई है, तो ये आपने याद रखना है। कितनी आइटम है, 800 प्लस है, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा कितनी है। अब इनको 407 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, बेस ईयर 2011-12 है, 8 कोर सेक्टर कौन से हैं, फर्न C3 यानी कि फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, स्टील्स एंड C3, कोल, सीमेंट एंड क्रूड ऑयल। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या था, क्योंकि ये पहले की बात हो गई, अब क्या डाटा है वो आपने याद रखना है। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये डाटा आपने याद करके जाना है एग्जाम में, और अगर इसमें कुछ चेंज आता है तो आप करंट अफेयर चेक करते रहिएगा, अगर इसमें कोई चेंज आता है तो उसे अपडेट कर लीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन 2009-10। देखिए, इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है अब इस टाइम में कि उस टाइम हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कितनी थी। आप जिस ईयर में एग्जाम देने जा रहे हैं उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। जो उस टाइम की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। तो याद रखिएगा कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पूछी जाती है, तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं वो जरूर पढ़िए जाइएगा, साथ साथ पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे जरूर पढ़ के जाइएगा आप, लेटेस्ट जो भी है, जो अभी चला हुआ है 2020-21 का पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे आया था। वैसे ये क्वार्टर वाइज डाटा देते रहते हैं, लेकिन एनुअल सर्वे की रिपोर्ट भी आती है, जून के बाद आती है, आप देख लीजिएगा, जून के बाद पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट आती है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की। उसमें बताते हैं कि रूरल हाउसहोल्ड कितने हैं इंडिया में, अर्बन हाउसहोल्ड कितने हैं इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, फीमेल की एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन क्या है एम्प्लॉयमेंट में, लेबर फोर्स कितनी है हमारी, वर्क फोर्स कितनी है हमारी। याद रखिएगा, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में डिफरेंस होता है। लेबर फोर्स में हम टोटल पीपल इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड अपॉन में पॉपुलेशन मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं, वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, पर वो काम ढूंढ रहे हैं, वो लोग नहीं जिनके पास काम नहीं है और ना ही वो काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो लोग इंक्लूड नहीं होते। एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड जिनके पास काम नहीं है पर वो ढूंढ रहे हैं, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इंटू में 100, ये होगी लेबर फोर्स। वर्क फोर्स क्या होती है, जो टोटल एम्प्लॉयड पीपल है अपॉन में पॉपुलेशन मल्टीप्लाई विद 100, ये वर्क फोर्स होती है। तो ये सारा डाटा हमें पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हर साल लॉन्च होता है, उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें आप जरूर पढ़िएगा। फीमेल पार्टिसिपेशन रेट भी होती है उसमें, ठीक है, कितने ज्यादा लोग माइनिंग में लगे हुए हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, ये सब डाटा उसमें दिया होता है, तो एक बार उसे रीड आउट करके जाइएगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रीजन रूरल बैंक इन 2010। देखिए, ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है कि उस टाइम करंट अफेयर में रीजन रूरल बैंक ज्यादा रहा हो या उनकी ब्रांचेस एक्सटेंड हुई हो, तब जाके ये क्वेश्चन आ गया हो, वैसे ये क्वेश्चन के आने के चांस बिल्कुल नहीं है। ओके, तो पर उस टाइम जो थी बिहार में ब्रांचेज ज्यादा थी, ये हमें आंसर की में दिया हुआ है इसलिए हम ये पढ़ लेते हैं, वैसे इसके आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हाँ, रीजनल रूरल बैंक के बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि इसको रेगुलेट कौन करता है, किसके अंडर रीजनल रूरल बैंक काम करते हैं। ठीक है, टोटल कितनी ब्रांचेस हैं ये भी पूछ सकते हैं, टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ज्यादा ये पूछा जा सकता है, ये अगर कोई कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुआ था तो वो पूछ सकते हैं, ज्यादा इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस वैसे उस टाइम थी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन स्लो डाउन सिंस द अडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यू टू। इंडियन एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन क्यों हो गई है, लो इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, यस ये बात बिल्कुल सही है, क्रॉप यील्ड जो है वो इंक्रीज बहुत कम मात्रा में हो रही है, लो और नो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम है, हम R&D तो इसमें कर ही नहीं रहे एग्रीकल्चर पॉलिसी में, स्टैग्नेंट ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, ये बात सही है, ग्रीन रिवोल्यूशन उसके बाद द्वारा आया नहीं है जो हमारा 60s में आया था। ठीक है, लो रिटेल मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये बिल्कुल गलत है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मार्केट प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो रहा क्योंकि इनपुट प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉनेटरीज मनी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट। देखिए, जो मॉनेटरीज ने मनी सप्लाई की डेफिनेशन दी थी वो दी थी ब्रॉड मनी की, और ब्रॉड मनी हम किसे कहते हैं, M3 को कहते हैं, और M3 में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट।
ठीक है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, यानी कि ऑप्शन डी। तो मॉनेटरीज ने जो डेफिनेशन दी थी वो ब्रॉड मनी की दी थी, क्लासिकल ने नैरो मनी की दी थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक्सचेंज की बात की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूशन जर्नल इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। सॉल्यूशन क्या है जो वॉल्यूशन जर्नल इक्विलिब्रियम का एग्जिस्ट करेगा? ओनली जब कंडीशन ऑफ फिक्स पॉइंट ऑफ थ्योरम सेटिस्फाई होती है। देखिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता क्योंकि फिक्स पॉइंट थ्योरम के बारे में मैंने भी अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि इसका ऑप्शन ए गलत दिया हुआ है आंसर की में। ये गलत है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि फिक्स पॉइंट थ्योरम का हम यूज करते हैं वॉल्यूशन में, लेकिन क्योंकि मैंने फिक्स पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ी है इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आप इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं है, पर हाँ इसके बारे में आप पढ़िएगा जरूर फिक्स पॉइंट थ्योरम के बारे में कि वॉल्यूशन जनरल इक्विलिब्रियम में इसका यूज हम कैसे करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।